स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं थर्मल इंजीनियरिंग की भी क्लासेस YouTube पर लूं, तो आज से मैं थर्मल इंजीनियरिंग की क्लास YouTube पर शुरू कर रहा हूं। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग समझेंगे कि थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक्स इसके ये आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स कहते किसे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा का अध्ययन करते हैं और कार्य की गणना तथा ऊष्मीय ऊर्जा दोनों का कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा तथा कार्य दोनों का अध्ययन करते हुए इनकी गणना की जाती है, उसके वह आपका थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। बात करें थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग अध्ययन दो तरीके से करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी होती है वह दो टाइप्स की होती है। पहला आपका होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोपिक व्यू एनालिसिस, और दूसरा आपका होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू। इन दोनों में समझते हैं डिफरेंट क्या है। ये जो आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसके अंतर्गत हम लोग जो भी हमारा सब्सटेंस है, गैस है, उसके प्रत्येक अणु का हम लोग अध्ययन किसमें करते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंतर्गत। और माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंतर्गत हम लोग पूरे सिस्टम को एक मान के केवल सिस्टम का ही अध्ययन करते हैं, सिस्टम के अंदर का अध्ययन करते हैं, उसके प्रत्येक अणुओं का अध्ययन हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों में आप लोगों को बेसिक डिफरेंट पता चल गया होगा। फिलहाल हम लोगों को ओनली माइक्रोस्कोपिक व्यू पर एनालिसिस करना है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों को सीखना है, जानना है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम की हिंदी होती है निकाय। तो निकाय वह है, किसको हम लोग निकाय कहते हैं। निकाय हम लोग उसे कहेंगे जिस पर हम लोग स्टडी के लिए फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या था, पूरा ब्रह्मांड था, यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में हमें केवल इतनी जगह का ही अध्ययन करना है। हमने ये जो स्पेस लिया है हमें केवल इस पर अध्ययन करना है, इस पर फोकस करना है। तो यह जो हमने ये बना दिया इसी को हम लोग सिस्टम कहेंगे। तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स अध्ययन करने के लिए किसी भी जगह पर जहां हम लोग फोकस करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। तो आखिरकार सिस्टम को यह हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम। और सिस्टम के बाहर क्या रहेगा, सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर क्या रहेगा, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग समझते हैं, सराउंडिंग किसे कहते हैं। सराउंडिंग उसे कहते हैं जो सिस्टम के बाहर होता है और जिस पर ऊष्मीय अध्ययन के लिए हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग। तो आखिरकार
सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कौन करता है? अलग करता है यह, सिस्टम और सराउंडिंग को यह अलग करता है, यह जो हमने बना दिया, इसको आखिरकार कहते क्या है? इसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बाउंड्री। तो बाउंड्री किसे कहते हैं? बाउंड्री उसे कहेंगे जो सिस्टम और सराउंडिंग में अंतर पैदा करे, दोनों को बता सके कि यहाँ से सिस्टम है और इधर से सराउंडिंग है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में जो दीवारें हैं, यह दीवारें क्या हैं? ये बताती हैं कि यह क्लासरूम इतना है, यहाँ से शुरू और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मतलब इसका एरिया इतना है, ठीक। तो इसकी जो दीवारें हैं ये क्या है? एक बाउंड्री। और बाउंड्री से मतलब दीवारों के बाहर जो कुछ है वह आपका सराउंडिंग है, और दीवार के अंदर मतलब बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है वह आपका क्या है? सिस्टम है। तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग और बाउंड्री, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आखिरकार सिस्टम। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, सिस्टम ये हमने तीन चीज़ें लिखी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग और ये बाउंड्री। तो हम सिस्टम और अगर सराउंडिंग दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है यूनिवर्स। हमारा क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या बनेगा? हमारा ब्रह्मांड बनेगा। ब्रह्मांड का निर्माण हमारा किससे होता है? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के योग से हमारा क्या बनता है? यूनिवर्स। अच्छा यूनिवर्स आपका एक, अभी आगे चल के बताएंगे कि यूनिवर्स आपका आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो अब बात करते हैं सिस्टम के टाइप्स की। तो हम लोग यहां पर डालेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम हमारा बेसिकली तीन टाइप्स का होता है। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा आपका क्लोज सिस्टम और तीसरा आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब तीनों को समझते हैं बारी बारी से कि किस को कौन सा सिस्टम कहते हैं और इसका एग्जांपल क्या होगा। ओपन सिस्टम की हिंदी होती है खुला निकाय, खुला निकाय। क्लोज सिस्टम की हिंदी बंद निकाय। और ये जो आपका तीसरा आता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं विच्छिन्न निकाय, या इसी को हम लोग विलगित निकाय भी बोलते हैं। फिलहाल आप लोगों को हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़नी है, विच्छिन्न निकाय या इसी को विलगित निकाय भी बोलते हैं, विलगित निकाय, ठीक। अब देखिए एक एक बारी बारी से समझते हैं कौन से सिस्टम को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। पहला हमारा आता है ओपन सिस्टम। पहले हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, यह हमने क्या बना लिया है? सिस्टम। यह हमने एक सिस्टम बना लिया। अच्छा अब सिस्टम की यह क्या है? यह आपकी बाउंड्री है, ठीक। और बाउंड्री के बाहर क्या रहेगा? सराउंडिंग। अगर किसी भी सिस्टम से मास और
हीट किसी भी सिस्टम से मास और हीट दोनों का ट्रांसफर हो सके या होता हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। कह सकते हैं इफ एनी सिस्टम इज कैपेबल टू ट्रांसफर हीट एंड मास देन द गिवन सिस्टम इज ओपन सिस्टम। यदि कोई सिस्टम हीट और मास को ट्रांसफर करने में सक्षम है तो वह आपका क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, तीनों का एग्जाम्पल एक साथ समझेंगे। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम किसे कहेंगे? ऐसा सिस्टम जो केवल और केवल हीट का ट्रांसफर करे, मास का ट्रांसफर ना करे, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो केवल और केवल हीट का ट्रांसफर करता हो, मास का ट्रांसफर ना हो उस सिस्टम से, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। तीसरा आपका आता है आइसोलेटेड सिस्टम, या इसी को हम लोग बोलते हैं विलगित निकाय। तो आइसोलेटेड सिस्टम आपका वह सिस्टम है जो किसी भी प्रकार से ना तो मास का ट्रांसफर करे और ना ही ऊष्मीय ऊर्जा या हीट का ट्रांसफर करे, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, तो इन तीनों की डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। अब तीनों का एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे ओपन सिस्टम है आपका, ओपन सिस्टम में एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं खुद ही हूँ, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्यों है? क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो मास का भी ट्रांसफर होता है और हीट का भी ट्रांसफर होता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। कहीं ना कहीं जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या है? एक मास ही तो है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तब भी मास का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मास का ट्रांसफर हो रहा है। और हीट का ट्रांसफर किस तरीके से? जब गर्मी होती है तो क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं अंदर वह गर्म होती है, और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तब भी वहाँ पर टेम्परेचर लागू होता है। और दूसरे तरीके से अगर देखें, अगर गर्मी है तो गर्मी में हमारी बॉडी क्या होगी? गर्म रहेगी, और हमारी बॉडी से हीट का ट्रांसफर एनवायरनमेंट में होगा। अगर बात करें, अगर हम लोग एसी में पहुंच जाते हैं तो हम अगर बाहर से कहीं से धूप से आए हैं और कमरे में एसी में बैठ जाते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होगा? धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो देखते हैं कि मास का तो ट्रांसफर हो ही रहा है, साथ में हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा हुआ? ह्यूमन बॉडी। दूसरा एग्जाम्पल बात करें आईसी इंजन की। आईसी इंजन में एक कंडीशन लागू है, आईसी इंजन को ओपन सिस्टम तब बोलेंगे जब आपका वाल्व क्या होंगे? ओपन होंगे। मतलब यदि किसी आईसी इंजन में उसके वाल्व ओपन हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। क्यों? वाल्व जब ओपन होगा तो हमारा मास अंदर जाएगा और हीट भी अंदर जाएगी, तो हमारा ओपन सिस्टम क्या है? आईसी इंजन भी एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये तो हो गए उस इंजीनियरिंग के टर्म में एग्जाम्पल। अब डेली यूजेज में एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेली यूजेज में आपका आ जाएगा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जिसमें हम लोग दाल चावल बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर भी आपका एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसमें भी एक कंडीशन लागू है, प्रेशर कुकर किस केस में हमारा ओपन सिस्टम की तरीके बिहेव करेगा? जब नीचे से गैस जल रही होगी, मतलब गैस जल रही होगी इस तरीके से, और इसके ऊपर कुकर रखा होगा और कुकर से सीटी निकल रही होगी,
जब हमारी दाल हम लोग चढ़ाते हैं कुकर में पकाने के लिए, तो कुकर कुछ देर बाद सीटी देता है, तो सीटी जब निकलती है तो वहाँ से मास का ट्रांसफ़र और नीचे से हीट का ट्रांसफ़र भी हो रहा है, तो प्रेशर कुकर को हम लोग क्या कहेंगे, यह भी हमारा ओपन सिस्टम है। कब? जब प्रेशर कुकर में हीट सप्लाई चालू हो और सीटी आ रही हो, तो ये आपके ओपन सिस्टम के एग्जांपल है। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में हमारा होगा क्या, यही प्रेशर कुकर में अगर हम लोग सीटी ना आ रही हो, मतलब प्रेशर कुकर में सीटी ना आ रही हो और केवल हीट सप्लाई चालू हो, मान लीजिए हमने प्रेशर कुकर को अभी जस्ट गैस पर चढ़ाया है, नीचे से केवल गैस जल रही है, तो हीट का तो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन सीटी नहीं आ रही, उस केस में हमारा प्रेशर कुकर ओपन सिस्टम की तरीके बिहेव क्लोज सिस्टम की तरीके बिहेव करेगा। अब बात करते हैं हम लोग फ्रिज की। फ्रिज आपका बेसिकली यह है, ओपन सिस्टम भी है, क्लोज सिस्टम भी है, आइसोलेटेड सिस्टम भी है, तीनों में कंडीशन लागू होती है। उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि फ्रिज आपका ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है। तो देखते हैं फ्रिज को पहले हम लोग क्लोज सिस्टम बनाते हैं, पहले बनाते हैं ओपन सिस्टम, फिर बनाएंगे क्लोज और बाद में तीसरे में बनाएंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए जो आपका फ्रिज होता है, फ्रिज का काम क्या होता है, जो भी हमारा अंदर सब्जी या खाना या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी रखा है उसको ठंडा करना है। ठंडा करना मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना। अब आपने क्या किया, मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लाए फ्रिज के अंदर, जैसे ही रखा ठीक, तो वहाँ से जो कोल्ड ड्रिंक गर्म थी उसको क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी हीट निकाल के एनवायरनमेंट में या कमरे में बाहर फेंकेगा, तो मास का तो ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, फ्रिज का दरवाज़ा आपने जैसे खोला तो क्या हुआ, मास का भी ट्रांसफ़र हो गया। तो मतलब हम लोग कहेंगे यदि फ्रिज में पावर सप्लाई ऑन है और डोर ऑफ फ्रिज इज ओपन, फ्रिज का दरवाज़ा खुला है और पावर सप्लाई ऑन है, उस केस में जो हमारा फ्रिज है वह ओपन सिस्टम की तरीके बिहेव करेगा। अब देखते हैं फ्रिज हमारा क्लोज सिस्टम की तरीके बिहेव किस तरीके से करता है। मान लीजिए हमने क्या किया, फ्रिज की पावर सप्लाई ऑन थी और हमने क्या किया, डोर भी उसका बंद है, मतलब मास का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब डोर बंद है मास का ट्रांसफ़र होगा नहीं, और फ्रिज चालू है मतलब फ्रिज अंदर की हीट एब्जॉर्ब करके कमरे में बाहर फेंकेगा, बाहर निकालेगा, तो वहाँ पर केवल और केवल हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो उस केस में कह सकते हैं कि फ्रिज आपका क्लोज सिस्टम है। अब बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये धीरे धीरे टॉपिक क्लियर होते चल रहे होंगे। बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल थर्मोफ्लास्क होता है। इसके अंदर आप कुछ भी रख दो, जल्दी से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, यह मान के चला जाता है, बट आइडियल कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन माना जाता है यह आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आजकल आप लोग देखे होंगे बॉटल आती है स्टील की, उसके अंदर आप कुछ भी रख दो, ठंडा पानी या चाय कुछ भी रख दो, आराम से वो बनी रहती हैं, और जिस कंडीशन में रखोगे, गर्म रखोगे तो गर्म रहेंगी, ठंडी रखोगे तो ठंडी रहेंगी, वो भी आपका आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। अब देखते हैं फ्रिज आपका आइसोलेटेड की सिस्टम की तरीके भी है कैसे करता है। जैसे फ्रिज को हमने क्या किया, पावर सप्लाई हमने बंद कर दी, मतलब फ्रिज बंद हो गया,
फ्रिज जब बंद हो गया तो काम करना उसने बंद कर दिया, उसका कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपरेटर कुछ भी काम नहीं करेगा, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब क्यू का ट्रांसफर नहीं होगा। अब डोर, फ्रिज का डोर भी क्या है, ऑफ है, तो क्या होगा, मास का ट्रांसफर भी नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं फ्रिज में जब हम लोग पावर सप्लाई बंद कर दिए और उसका फ्रिज का दरवाज़ा भी हम लोगों ने क्या किया, बंद कर दिया, तो उस केस में जो हमारा फ्रिज वर्क करेगा वह आपका आइसोलेटेड सिस्टम की तरीके बिहेव करता है, आइसोलेटेड सिस्टम की तरीके कार्य करता है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, यह सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि यह एग्जांपल कौन से सिस्टम का है, यह मान लीजिए हमने क्या लिया, एक कप ले ली, कप ले लिया और इस कप में क्या है, चाय, इस कप के अंदर हमने चाय भरी है, गरम है चाय, पीने के लिए आई है, आप ही के लिए या मेरे लिए, तो अब आपको बताना है कि यह कप आपका जो है, इसके अंदर चाय भरी हुई है, यह कौन सा सिस्टम की तरीके कार्य कर रहा है। ठीक, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि यह जो है, यह कौन सा सिस्टम की तरीके बिहेव कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आज फिलहाल ये थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास थी। अगर आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे और सहयोग बनाएंगे तो मेरे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो भी आपको डाउट हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जैसे ही आप करते हैं उसमें पर डे की जितनी भी वीडियो होती है सारी की सारी वीडियो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाती हैं और जो भी नोट्स होते हैं वह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्ट सर्च करना चाहें तो टेलीग्राम में आप चैनल के नाम से सरल किताब जैसे ही सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल जितने भी सोशल कॉन्टैक्ट हैं वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहते हैं, आप वहां से जाके आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा कि जो हम लोग डेली लाइफ में चीज़ें यूज करते हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से सहयोग बनाए रखेंगे तो आप लोगों को इंजीनियरिंग में मैं इतना कुछ बता जाऊंगा कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।